नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। घटना धनरुआ थाने के पटना गया डोभी फोरलेन की है, जहां कल दिन दहाड़े कोर्ट में गवाही देने आ रहे प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोली मारकर छलनी कर दिया था। मामले को लेकर मृतक मुन्ना के पिता ने ज्ञात लोगों के विरुद्ध धनरुआ थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल धनरुआ थाने की पुलिस आगे की कार्यवाही कर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मृतक मुन्ना धनरुआ थाने के दुबहारा गांव का रहने वाला था। हत्या का कारण रास्ता का विवाद बताया जा रहा है। घटना जब पहले हाथ में गोली सर, उसको जमीनी विवाद ही था, जमीनी विवाद था तो हम सॉल्व कर दिए थे, लेकिन फिर इसका बचाने के चक्कर में ओकरा सर एथि किया गोली, एक तो यहाँ हाथ में मार दिया है, इसका हाथ में गोली मार दिया था। चल रहा है सर, पहले गोली मारा था। हाँ, इसको पहले भी गोली मारा था सर, हाथ में रोक लिया था। कौन मारा है वो गोली? बिजेंद्र का बेटा है। कहाँ घर हुआ उसका? दोनों चचेरा भाई है। उसका कहाँ घर हुआ? मृतक कौन था? ये मामा मेरा भाई है। क्या नाम है था इसका? मुन्ना कुमार। इसका घर कहाँ है? दोबारा। आपका नाम क्या हुआ? अनिल मुकेशर नाम है। आपका घर कहाँ हुआ? राजा बेगा। अरे क्या मतलब, क्या पूरा मामला क्या है? जमीनी विवाद सर, रास्ता के लिए खाली। तो आपको सूचना कैसे मिली? अभी हमारा एगो फोन किए ना कि वहाँ पर मोसेरा भाई हमको फोन किए कि कटम मुंडवा के मर्डर हो गया करके, और फिर तो हम कल के नाम रहा मालूम था कि सेंट्रल स्कूल वाल के आगे कर तो हुआ। अभी फोन के यही फोन से सर कोई उठा के बात किए थे। पूरा मामला जमीनी विवाद का है? जमीनी विवाद है सर, पहले भी गोली मारा क्या। लगभग कितने बजे गोली मारी होगी? अभी सर हमको मालूम तो 10-15 मिनट पहले हुआ सर, 10:45 हो रहा है, 10 बजे के लगभग सर। ये अभी हम गश्ती में थे तो हमको सूचना मिला कि जो है मर्डर हो गया है एक जगह, तो हम तुरंत आए, हम तुरंत देख रहे हैं कि इनका मर्डर हो गया है। इनका आधार कार्ड मेरे हाथ में है, इनका नाम मुन्ना कुमार है, डेट ऑफ बर्थ है इसका 5/1/1999, और इसका पिताजी का नाम है बाबू चंद्र सिंह, दुभारा का है, नथपुरा पटना का। क्या बताया जा रहा है अभी? तो इनके परिजन जो आए हैं, इन्होंने बोले हैं कि जमीनी विवाद था पूर्व में भी इनको गोली मारा गया था, और जो है अब इसको फिर से गोली मार करके हत्या कर दिया। फिलहाल आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल तो कार्रवाई की जाएगी, FIR होगा, उसके बाद जो जिसने मारा है अपराधी को गिरफ्तार करके उसको जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। शव को कहाँ ले जाएगा? इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका सर? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पवन कुमार रखवाला। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के अमडोल गांव निवासी प्रमोद सिंह की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो गई थी। उक्त घटना की सूचना पाकर जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मृतक प्रमोद सिंह के घर अमडोल गांव पहुंचकर उनके पत्नी, बेटा बेटी और मां पिता समेत अन्य परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपए नगद दिए और मृतक की बेटी के खाते में 50,000 रुपए देने का आश्वासन दिया। का ये मतलब नहीं कि हम कंप्लीट सोसाइटी को कोलैप्स कर सबको पीस दें। गलतियां किसी एक व्यक्ति से, 10 व्यक्ति से, 4 व्यक्ति से, बच्चों से हो सकती। सेंटीमेंट में जब हम प्रमोद सिंह एक झोला छाप डॉक्टर सबके घर पे जाता हो तो सबका सेंटीमेंट उस लड़के से, उस व्यक्ति से होगा। काका, चाचा, भाई, ताई, चाची, नानी, मामी, सबका सेंटीमेंट हो, सब चले गए। और वहाँ जाने के बाद हम पेशेंस नहीं, हमारी गाड़ी भी जाती है कहीं बकरी से छिपा के, 180 में हम अभी यहाँ से भागलपुर जाएं क्योंकि हमको 4-5 बजे तक वहाँ पहुँचना हो सकती है। परसों हम भर्रात चलते हैं, परसों हमारी गाड़ी एक्सीडेंट करे, पूरा गार्ड मर जाता, हम क्या करते, कभी हम मर जाएंगे। माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं, गोली मार देगा तो क्या कहेंगे, मार दो सब। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत सरकार भवन में मुखिया सुनील यादव के नेतृत्व में परौल नगवास नौकरही
परजुआर ढंगा अरेर उत्तरी पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों द्वारा विकास योजना को कैसे धरातल पर उतारे, अपने अधिकार और कर्तव्यों की संपूर्ण जानकारी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की रूपरेखा और निर्गत किए जाने की प्रक्रिया, योजनाओं के क्रियान्वयन समेत कई बिंदुओं पर विस्तार से वार्ड सदस्यों को बताया गया। रक्सौल प्रखंड के हरनाही पंचायत के सरपंच शंभु पटेल आजकल सोशल मीडिया पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते वायरल वीडियो में छाए हुए हैं। दरअसल हरनाही पंचायत अंतर्गत गोनहा टोला चैनपुर चौक पर स्टेज लगाकर बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ तेज डीजे साउंड का भी व्यवस्था था और संजोगवश सरपंच साहब उसी गोनहा टोला चैनपुर के सरपंच सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मध्यरात्रि डीजे साउंड पर स्वयं ठुमके लगा रहे थे। खबर रोहतास जिले के दिनारा से है, जहां भानस ओपी क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में जहां 1 बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं घायल को अस्पताल भेजा। दूसरी ओर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया। जी क्या हुआ है बताइए तो? भानस गांव के पास 2 बाइक में टक्कर हुआ है। हाँ। उसमें दोनों बाइक सवार एक्सीडेंट है। हाँ। एक स्पॉट डेथ हो गई। अच्छा, एक आदमी जख्मी है। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल। कहाँ घटना हुआ है? घटना भानस के पास हुआ है आपका। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।